नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम सफलता सीरीज या फिर आप कह लीजिए 500 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट अपलोड किए हैं और उन दोनों पार्ट में हमने लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस कर लिए हैं। 150 प्लस क्वेश्चंस, पहले पार्ट में मैंने 60 प्लस क्वेश्चंस करवाए थे और दूसरे पार्ट में मैंने 25 प्लस क्वेश्चंस करवाए थे, और दोनों में मैंने चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, यानी कि लगभग हम 150 के नज़दीक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन भले ही 25, 30, 60 होते हैं, लेकिन मैं चारों 500 ऑप्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ। यदि कोई इनसे लिख रहा है ना, तो उसके पास होंगे 150 क्वेश्चंस। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर सके तो कर दीजिए। हम रोज शाम को 6 बजे ये क्लास लेकर उपस्थित होते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। तीसरा पार्ट है, दोनों पार्ट पुराने भी जाकर देखिए यदि नहीं देखे हैं तो। और आपके लिए एक नोटिस, इम्पोर्टेंट जानकारी, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन यूपीपीसीएल और टीजीटू, यूपीपीसीएल टीजीटू और डीआरडीओ दोनों के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम आपको शो कर रहा होगा, जाकर देखिए, 25 प्लस वीडियोज है। उसी के साथ यदि आप हमारी नॉन टेक्निकल की 250 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एक बुक है, या ई बुक कह सकते हैं, पीडीएफ फाइल है, यदि लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि लिंक ओपन न हो तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर JKITE मंत्रा, या फिर गूगल में सर्च कर लीजिए JKITE मंत्रा टेलीग्राम, आपको हमारा ऑफिशियल जो पेज है वो दिखाई देगा, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आज शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक ने करवाया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी में से लगभग अधिकांश को याद होगा जो नॉन टेक्निकल पढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आप सभी को पता होना चाहिए, बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनाया गया। अब एक और क्वेश्चन इसके साथ बताता हूं मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर दो मान सकते हैं आप, ये वाला एक नंबर है। क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है। तो आप कहेंगे अजमेर राजस्थान में। अजमेर राजस्थान में 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है, किसने बनाया। तो इसका आंसर है आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया है। ये क्वेश्चन UPRVNL TG2 में पूछा गया था, तो मैंने आप सभी को बताया है। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर अब आपके सामने तीन है कि पोगान, चोगान या पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी चोगान या फिर पोलो खेलते हुए। एक और क्वेश्चन साथ में, उसमें कहा गया था कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुब मीनार का आविष्कार किसने शुरू करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन उसे पूरा किसने करवाया। तो आप सभी को पता होना चाहिए, उसका जो निर्माण है वह पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो ये आपका सही आंसर रहेगा। गुलाम वंश, इल्बरी वंश का संस्थापक कौन था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। इतने 5-7 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रिपीट किए हैं, यदि वीडियो को ध्यान से देखा है तो। यदि आपकी एग्जाम में इनमें से एक भी क्वेश्चन पड़ता है ना, तो आप बिल्कुल सही करेंगे। नोट करते जाइए, यदि आपके पास रफ कॉपी, जो भी आपके पास बुक, नोटबुक है, उसमें नोट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। तो इसका मैं राइट आपको आंसर बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने कमेंट कीजिए, मुझे भी तो पता चले कि आपको कितना नॉलेज है। कमेंट कीजिए, उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी ने किया होगा, ऑप्शन नंबर सी है, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। तो आप सभी को याद करना है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अगला जो क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। इसका आंसर आई होप आप में से अधिकांश सही देंगे, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन एक तरीके से आपका टेस्ट है। तो कमेंट कीजिए लगातार,
अपना जो राइट आंसर आपको लगता है उसे कमेंट कीजिए, यदि गलत होगा तो आप सुधार कर लीजिए, सही होगा तो आगे भी याद करने की कोशिश करें। पहला पृथ्वी सम्मेलन मैं आपको बता दूं रियो में हुआ था, रियो में हुआ था। यदि आपसे पूछे पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ तो आप कहेंगे रियो में। कब हुआ तो 1992 में ये संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर सी की तरफ आपको जाना है, 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ, रियो जिनेरियो में हुआ। नेक्स्ट जो आपके पास दो क्वेश्चन है दोनों का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु बताइए प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी होनी चाहिए। तो आई थिंक आप सभी राइट आंसर ही देंगे, सबको पता है क्या होनी चाहिए। पहले तो बताइए प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, तो आप कहेंगे वो बन सकता है जो लोकसभा में अध्यक्ष हो, यानी कि लोकसभा वाला, लोकसभा में जो लीडर होता है उसका जो प्रधानमंत्री बनता है। अब लोकसभा के लिए आपको न्यूनतम आयु भी पता है 25 वर्ष, तो राइट आंसर इसका 25 वर्ष होगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? आई होप या मैं श्योर हूँ 100% ये सबका राइट आंसर होगा, सब इसका सही आंसर ही देंगे। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, राइट आंसर आपका रहेगा। वहीं रामायण की बात करें तो रामायण की रचना किसने की है? तो आप कहेंगे वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने महाभारत आप कह सकते हैं लिखा है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो ये आपको रट ही लेना है, क्वेश्चन आ सकता है बैडमिंटन से रिलेटेड है पीवी सिंधु। अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? तो अफगानी, ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा, अफगानिस्तान अफगानी। सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन कब किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डीआरडीओ ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि डीआरडीओ की आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे पुराने क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, जैसे 2018 में क्या हुआ, 2017 में क्या हुआ, जीएसटी वाला क्वेश्चन दे सकता है, नोटबंदी वाला क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन कब हुआ? तो आप कहेंगे 4 नवंबर 2018 इसका राइट आंसर है, सिग्नेचर ब्रिज। सुपर मॉम के नाम से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को जाना जाता है? मेरी कॉम, सुपर मॉम, आप याद कर सकते हैं, यह ट्रिक बन जाती है, सुपर मॉम मेरी कॉम, ले रिदम बोल सकते हैं, इस प्रकार से याद हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो आप सभी को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत की सबसे बड़ी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की नींव कब रखी गई? ये क्वेश्चन दे सकता है डीआरडीओ 2013 में, आपको याद कर लेना है नींव रखी गई। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम होता है, और आम का जो वनस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम है वो आपके होता है मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका आपको याद होगा। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है वो है हुमायूं का मूल नाम क्या था? तो नसरुद्दीन हुमायूं इसका पूरा नाम था, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, मूल नाम था। ऐसी क्वेश्चन है जिनके ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, यानी कि सीधा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जापानी की मुद्रा क्या है? तो आप कहेंगे जापान की मुद्रा येन होती है। और भारत की मुद्रा क्या है? तो आप कहेंगे रुपया। और यूएस की? तो आप कहेंगे डॉलर, सबको याद होगा आई होप। आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो है 100 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति बनी हुई है? तो 100 रुपए में आप सभी को याद होना चाहिए रानी की वाव, और ये आप याद कर लीजिए कौन से नोट के पीछे क्या है। तो यहाँ जो राइट आंसर दे रखा है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम जब भी नाम आता है तो आप सभी को याद हो गया होगा, तमिलनाडु जिसने भी बुक ली है उनमें से सबको याद है। भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु। लुफ्तहांसा किस देश की विमान सेवा है? लुफ्तहांसा जर्मनी की है। अभिनव बिंद्रा किस राज्य से संबंधित है? अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड। और क्वेश्चन क्या है? अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डीआरडीओ ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा। अगरतला हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? महाराजा वीर विक्रम महानिकेस एयरपोर्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। प्रयाग को किस
उपनाम से जाना जाता है, तो ईश्वर का निवास प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद प्रयागराज, ज्यादातर प्रयागराज ज्यादा अच्छा नाम है, और इसका अर्थ है या उपनाम है ईश्वर का निवास स्थान। अगले जो आपके क्वेश्चन है वो दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, जिससे आप अच्छा समझेंगे, हम एक्सप्लेन ज्यादा करेंगे। कौन सा देश ब्रिक्स 2021 की बैठक की मेजबानी करेगा? यहां मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ब्रिक्स 2021, ये जो क्वेश्चन था ये 2021 के लगभग यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसमें जो टेंस दे रखा है वो फ्यूचर वाला है, यानी कि करेगा। लेकिन अब जो क्वेश्चन बनेगा वैसे बनेगा, कौन सा देश ब्रिक्स 2021 की बैठक कर चुका है, या 2021 की बैठक किसने की? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है भारत। अब आपको पूछ सकता है ब्रिक्स देशों की मुद्रा कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो जिसकी शुरुआत रे से होती है ना, वह ब्रिक्स देशों की मुद्रा है, जैसे रुपया, रेन, रोनाल्ड, रोब्रू, ये जो भी है ना, ये सारी ब्रिक्स देशों की मुद्रा है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बहुत अच्छा, आप सभी ने सीख लिया होगा। ये आपको एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो आपको इसको हल करना है, कैसे करेंगे, पहले हमें इन दोनों को समझना होगा कि ये किस प्रकार से हुए हैं। तो आप कैसे समझेंगे देख लीजिए, लिखा है 7 × 4 × 8, यदि आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कह रहा है 44 × 9 = 8 आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 32 × 7 = 4 इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके आंसर नहीं आएगा। लाइक शायद ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने से कम रह जाएगा, हमें इस प्रकार से मल्टीप्लाई करनी है कि आंसर ये आए। तो कैसे आएंगे, जब आप 7 का स्क्वायर करते हैं ना, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कहेंगे 49 आते हैं, और ये क्या लिखा हुआ है 4, उसके बाद आपको लिख देना है 49, और उसके बाद लास्ट वाला 8 लिख देना है, तो आपके ये वाला बन जाता है। समझ गए होंगे किस प्रकार से किया, आगे वाला भी एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम न हो। आगे जो आपको दे रखा है ना वो दे रखा है ये वाला 3 × 6 × 5, तो 3 का स्क्वायर करना है और इन दोनों के बीच में लिखना है, यानी कि पहले 6 लिखेंगे, फिर 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, यानी कि ये वाला बन गया। समझ गई, इसी प्रकार से आगे वाला करेंगे और हम राइट आंसर लेकर आएंगे। कैसे करेंगे, 5 × 9 × 4 कर दीजिए, 5 × 9 × 4, तो मैंने आपको कहा पहले हम लिखेंगे 9, फिर लास्ट में लिखेंगे 5, और इन दोनों के बीच में इसका स्क्वायर लिखेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे 25, यानी कि 92×55 इसका राइट आंसर रहेगा जो आपको दे रखा है। 94 है क्या, ये जो आपको ध्यान से देखना है, मैंने अभी ध्यान से देखा नहीं है इसलिए राइट आंसर शायद नहीं आया। किस प्रकार से करेंगे, ये एक्सप्लेन वही है, संख्या मैंने थोड़ी गलत लिखी है, आपको ये देखना है क्या लिखा हुआ है, 5 × 9 × 4, तो आपको 9 और 4 लिखने हैं, ये 9 लिख दिए 4 लिख दिए, इन दोनों के बीच में इसका स्क्वायर लिखना है, यानी कि आपको 25 लिखना है। तो 92×54 राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लास्ट वाली जो संख्याएं है ना वो आपको सेम रखनी है, 9 और 4 को लिख दीजिए, इन दोनों के बीच में इस 5 का स्क्वायर करके लिखना है। समझ गए होंगे इस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन अटेंड किए जाते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है वंदे मातरम किसने लिखा था, तो वंदे मातरम आप सभी को याद होगा, जनगणमन राष्ट्रगान और वंदे मातरम राष्ट्रगीत, मैं आपको सारे बता देता हूं एक बार। वंदे मातरम को लिखा था, वंदे मातरम है राष्ट्रगीत, और इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगणमन जो आपका है वो है राष्ट्रगान, जिसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो यहां ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। राइट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो अगला आपका क्वेश्चन है उसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी लखनऊ की प्रसिद्ध पारंपरिक कसीदाकारी है, तो ये आप याद कर लीजिए, यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया था, चिकनकारी लखनऊ की प्रसिद्ध पारंपरिक कसीदाकारी है, तो कारी कारी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो मैंने वन लाइनर लिए हैं, आपको याद करने हैं डायरेक्ट। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है, तो 23 डिग्री 3 मिनट,
जो ये सिंबल होता है ये डिग्री का होता है और ये पूरक का या फिर इसे मिनट का सिंबल कहते हैं। तो 23 डिग्री 3 मिनट आपका राइट आंसर है। कौन सी नदी बंगाल का शोक है? तो बिहार का शोक मैंने उस दिन आपको बताया था पहले पार्ट में, कोसी नदी, और बंगाल का शोक है दामोदर नदी। कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये आपको नर्मदा नदी, इसकी ओर जाना है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट। हिमालय की जो पर्वतमालाएं हैं वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम से जानी जाती है। सह्याद्री है पश्चिमी घाट वाली नदी की, हिमालय की भाग, वह भाग जो पश्चिम घाट में है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। बौद्ध स्मारक सांची किस राज्य में स्थित है? तो सांची आपको याद कर लेना है, बौद्ध स्मारक ये यूपी आर्मी नल TG2 में पूछा गया है, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और राइट रॉन्ग तरीका भी यूपी आर्मी नल का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में स्थित है बौद्ध स्मारक सांची, जो बौद्ध स्मारक सांची है वह मध्य प्रदेश MP में स्थित है और MP में ही अभी 8 चित्ते लाए गए हैं। तो आपको याद रखना है 8वें चित्ते का नाम रखा गया है आशा, जो नाम रखा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो आपको ये भी याद कर लेने हैं, 3 नए क्वेश्चन आपके बन गए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। यदि PDF फाइल डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए और DRDO एंड UPPCL TG2 की प्लेलिस्ट पर एक बार जरूर विजिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।